गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए अल सुबह महाकाल मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा महाकाल का नंदीहाल से दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। चांदी द्वार और नंदीहाल से करीब 10 मिनट तक पूजन अर्चन के पश्चात दोनों मंत्री मोहन यादव के निवास पर उनकी माता के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में हुए जीपीएफ गबन कांड की जांच जारी है। जांच रिपोर्ट भोपाल पहुंचते ही दोषियों पर कार्रवाई होगी। गबन करने के मामले में पूर्व से दर्ज एफआईआर में एक और आरोपी का नाम बढ़ गया है। माता श्री के चरणों में नमन करने आए थे, ऐसी माँ जिन्होंने मोहन यादव जी जैसा पुत्र सेवा के लिए समर्पित किया। बाबा महाकाल की नगरी में बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया, उन माँ के चरणों में आज नमन करने आए थे। भैरवगढ़ जेल में, हाँ, वो जांच में है पूरा का पूरा विषय, और टाइमिंग भी हो गई है। कल एक नाम बढ़ा भी दिया है रुपी नमन के बाद में, और मेरे सामने कल तक रिपोर्ट आ जाएगी। सभी के साथ न्याय होगा। उज्जैन में रोज लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दरबार में मत्था टेकने पहुंचते हैं। आम भक्तों की तरह यहां बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेने के लिए रोज कई वीआईपी भी बाबा महाकाल के दरबार में आ रहे हैं। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने उज्जैन पहुंचकर भगवान महाकालेश्वर की पूजा अर्चना की। राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने विधि विधान से बाबा महाकाल का अभिषेक भी किया और बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गीता कॉलोनी निवास स्थान पर पहुंचकर उनकी माताजी स्वर्गीय श्रीमती लीलाबाई यादव के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। आने वाले दिनों में महाकाल मंदिर की भस्म आरती के प्रवेश द्वार को बदला जाएगा। कुछ गेट को बंद करने पर विचार किया जा रहा है। भस्म आरती की दर्शन व्यवस्था को और ज्यादा सुगम बनाने के लिए जल्द ही गेट नंबर 4, 5 और 13 को बंद कर अब भक्तों को मान सरोवर से प्रवेश मिलने लगेगा। वहीं वीआईपी श्रद्धालु गेट नंबर 1 से प्रवेश कर पाएंगे। यह व्यवस्था जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। महाकाल मंदिर में प्रतिदिन 4 बजे होने वाली भस्म आरती के लिए भक्त रात 12 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं। अभी तक गेट नंबर 4 और 5 से भस्म आरती में शामिल होने आए श्रद्धालु को एंट्री मिलती थी, लेकिन अब जल्द ही ये दोनों गेट बंद होने जा रहे हैं। जिले के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला रोजगार कार्यालय द्वारा गुरुवार को महाश्वेता नगर स्थित शासकीय रोजगार कार्यालय परिसर में जिला रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में 10वीं से लेकर स्नातक स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त 18 से 30 वर्ष की आयु तक के युवा शामिल हुए। गुरुवार सुबह 10:30 बजे से मेले का शुभारंभ हुआ। रोजगार मेला दोपहर 3 बजे तक चला। जिला रोजगार कार्यालय के उप संचालक विजेंद्र बिजोलिया ने बताया कि रोजगार मेले में उज्जैन, देवास, इंदौर, पीथमपुर सहित मध्य प्रदेश की पटेल मोटर्स, इंदौर मां चामुंडा इंटरप्राइजेज देवास, उज्जैन की मेटल फोर्जा कंपनियों के प्रतिनिधि करीब 400 बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए उपस्थित हुए हैं। नगर निगम द्वारा निरंतर अवैध अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण कार्यों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जोन क्रमांक 6 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 35 सुदर्शन नगर नागजिरी क्षेत्र एवं कवेलू कारखाने की सास की भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। नागजिरी क्षेत्र में दाऊद पिता पूना, सुदर्शन नगर में कालू पिता पप्पू भाटी एवं कवेलू कारखाने की भूमि पर गोपाल परिहार द्वारा अवैध अतिक्रमण करते हुए मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा था, जिसे नगर निगम द्वारा हटाने की कार्रवाई की गई। भवन निरीक्षक श्री मुकुल मेश्राम एवं पुलिस प्रशासन के साथ यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मध्य प्रदेश में लगातार मौसम परिवर्तन हो रहा है। बताया गया है कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर 20 मार्च तक कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश होने के आसार जताए हैं। उज्जैन शहर की बात करें तो यहां बीती रात मौसम ने फिर करवट ली और आंधी तूफान के साथ तेज बारिश देखने को मिली। दोबारा बदले मौसम के कारण भयभीत किसानों ने अल सुबह से ही गीले गेहूं की कटाई शुरू करवा दी। वहीं प्याज के और चने के दामों को लेकर भी किसानों ने इस बात की चिंता जताई है कि ऐसा ही मौसम रहा तो प्याज, गेहूं, चना तीनों में भारी नुकसान होगा और फसलों के दाम कम मिलेंगे।